हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए भर्ती निकली है उसमें हम अपने घर बैठे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और लाइव देखेंगे भी। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है तो वो वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 38,926 पदों के लिए भर्ती निकली है और इसकी लास्ट डेट 5 जून 2022 है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40, और कुछ यहाँ पर छूट भी दी गई है अलग अलग कास्ट वाइज। और यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा तो सिलेक्शन की बात करें तो 10वीं के आधार पर होगा। जिस स्टेट में आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट का एज अ सब्जेक्ट आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग स्टेट के नाम दिए गए हैं और जो कि पोस्ट ऑफिस में 23 सर्कल हैं तो अलग अलग सर्किल को आप देख सकते हैं ओपन करके। यहाँ पर फिर अलग अलग सर्किल के अंदर अलग अलग ज़िले आएंगे और वहाँ पर एक एक ज़िले में कितनी भर्ती निकली है वो आप सभी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपनी जो वैलिडेट डिटेल्स है वो भरना है। तो पहला आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर फिलअप कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है और वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका उस पर OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पर OTP फिलअप करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा, इसको ओके पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको OTP फिलअप करना है। जो भी आपका OTP है वो ध्यान से फिलअप करें। OTP फिलअप होने के बाद सबमिट OTP पे क्लिक करें। सबमिट OTP फिलअप होने के बाद आपका मोबाइल वैलिडेट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर ईमेल डालें। अपना ईमेल नंबर डालने के बाद ईमेल पर एक OTP आएगा, वो भी वैसे ही स्टेप दोहराना है। इसके बाद आपको एप्लीकेंट नेम फिलअप करना है जो कि आपकी अंक सूची के आधार पर होना चाहिए। जो भी आपका अंक सूची पे नाम है वही यहाँ पर फिलअप कीजिए और वो भी पूरा कैपिटल में। इसके बाद फ्रेंड्स आपको चौथे नंबर पर अपनी माता का नाम जो कि 10वीं के अंक सूची पे जैसा होगा वैसा ही फिलअप करना है यहाँ पर। इसके बाद आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है जो कैलेंडर के आधार पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले वर्ष सन सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, मंथ के बाद डेट। इसके बाद आगे जेंडर सिलेक्ट करना है जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल। फिर इसके बाद नीचे आता है कम्युनिटी, आपकी कास्ट SC ST OBC जनरल जो भी है। इसके बाद आप अपना सर्किल सिलेक्ट कीजिए, आपने जो बोर्ड की एग्ज़ाम कहाँ से पास करी वो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर, 10वीं आपने कब पास की। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप होने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं तो सेकंड स्टेप पे आपका पहला आता है आधार नंबर। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप PH कैंडिडेट है तो वहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो। फिर आप उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि किस प्रकार के PH हैं और उसका प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एज ए सब्जेक्ट कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मल्टीपल पढ़ी है तो मल्टीपल, या फिर सिंगल है तो सिंगल, तो यहाँ पर मल्टीपल है तो मल्टीपल कर दी। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड है तो यस, नहीं है तो नो करना है। इसके बाद आपको नीचे फ़ोटो अपलोड करना है जो कि जो साइज़ दिया है उस साइज़ के अनुसार आपको यहाँ पर अपलोड करना है फ़ोटो। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपको
नीचे सिग्नेचर, सिग्नेचर का भी जो साइज़ दिया है उस साइज़ के अनुसार आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, वो कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप होने के बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू होने के बाद यहाँ पर ओके, ओके के बाद क्लिक कीजिए यहाँ पर, फिर सबमिट। सबमिट हो गया, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। आप यहाँ से आप प्रिंट लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेने के बाद सेकंड स्टेज आती है फ़ी पेमेंट की, पे ऑनलाइन। फ़ी पेमेंट का पेज ओपन हो गया है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो प्रिंट आउट लिया था। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपकी डिटेल पूरी यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ पर केवल फीस ओबीसी और जनरल के लिए रखी गई है, एससी एसटी या फिर महिला या फिर जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस नहीं लगेगी। वापस होम पेज पर आने पर थर्ड स्टेज अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म फिलअप होगा। और पहले यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपका जो सर्किल है जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर जो पहले किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त वही यहाँ चुनना है। सबमिट, सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप होने के बाद नीचे कैप्चा फिलअप करना है, कैप्चा सही सही फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद नेक्स्ट, फिर ये आपका पूरी डिटेल खुल के आ गई यहाँ पर। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करने के बाद इधर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक कीजिए, और अलग अलग हैं तो फिर दोनों तरफ अलग अलग लिखिए। इसके बाद नीचे आता है सिलेक्ट बोर्ड, आप यहाँ पर आपका 10वीं का बोर्ड कौन सा था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आता है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट टाइप, मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स है वो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मार्क्स चढ़ाना है। यहाँ पर प्रत्येक बोर्ड के अलग अलग नंबर्स होते हैं और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड का है। प्रत्येक विषय में अपने जो भी नंबर आए वो यहाँ पर फिलअप करना है, अलग अलग विषय के अलग अलग नंबर। इस प्रकार से सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू। इस प्रकार ये पूरी डिटेल फिलअप हो गई है। इसके बाद आपको सिलेक्ट डिवीज़न, यहाँ से डिवीज़न सिलेक्ट करना है। हमारा जैसे खंडवा डिवीज़न है तो खंडवा डिवीज़न सिलेक्ट किया। फिर खंडवा डिवीज़न में यहाँ पे आपको कहाँ पर अप्लाई करना है वो अलग अलग ऑफिसेस आ जाएंगे, वो आप उस हिसाब से वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर एलिजिबल हो तो। फिर दूसरा पेज खोल लेते हैं। अब दूसरे पेज में एक यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर डालना है एक, फिर उसके बाद बाल समूद ये भी मुझे चाहिए दो, ऐसे अपने को जो जहाँ जहाँ पर डालना है ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर दे देकर। और वहाँ पर आप उस जो जिस कास्ट के लिए सीट है वहीं पर आप अपना नंबर डालिए। ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्किल एंड डिवीज़न, जो कि बाय चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रिंट, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। अब इसको आप प्रिंट आउट दे सकते हैं, यहाँ से भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।